दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों लॉकडाउन लगने पर मुआवजे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों क्या है पूरी खबर, दोस्तों इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे पूरा बात करेंगे और दोस्तों जो भी पूरी जानकारी है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप और देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कैट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दोस्तों राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको क्या है एक पत्र भेजा है। दोस्तों उस पत्र में मांग रखी गई है कि व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए यदि दोस्तों पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाता है। और दोस्तों कैट के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रवीण खंडवाल, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से यदि दुकानें बंद होती हैं तो दोस्तों दुकानदारों को क्या पूरा हक है मुआवजा लेने का सरकार से। और दोस्तों साथ ही साथ और कौन कौन सी बातें कही गई उस बारे में हम कवर करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कैट ने क्या है मुआवजे को लेकर एक फॉर्मूला भी भेजा। अब तो उस फॉर्मूले में कहा गया व्यापारी का जितना वार्षिक टर्नओवर होगा उसको उसी अनुपात में क्या है मुआवजा दिया जाए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वार्षिक जो टर्नओवर होता है हमारे देश का उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारे देश का जो वार्षिक टर्नओवर है वो है दोस्तों 80 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों एक साल में 80 लाख करोड़ का क्या है व्यापार हमारे देश में होता है। और दोस्तों अगर हम महीने का बात करें दोस्तों 6.5 लाख करोड़ रुपए क्या है महीने का क्या हमारे देश में व्यापार होता है। और दोस्तों अगर हम केवल महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों महाराष्ट्र में सिर्फ एक महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। और दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दोस्तों दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए का एक महीने में व्यापार होता है। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग क्या है जो भी मुआवजा है जिस व्यापारी का उसी अनुपात में उस व्यापारी को दिया जाए। अब दोस्तों अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है लॉकडाउन के बारे में। तो दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन लगाए बिना भी क्या है कोरोना से क्या है जीता जा सकता है और दोस्तों लॉकडाउन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसके लिए क्या कहना चाहिए तो दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगर हम पूरी तरीके से जांच इलाज और निगरानी पूरी तरीके से की जाए तो दोस्तों जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत तेजी से घटने लगेंगे और दोस्तों कोरोना क्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें हेल्थ एक्सपर्ट की, दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना सिर्फ एकमात्र उपाय नहीं है, बिना लॉकडाउन लगाए बिना भी कोरोना से जंग जीती जा सकती। दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट्स ने साथ में ये भी कहा यदि कोरोना के जो मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या होम आइसोलेशन को भी अपनाना चाहिए। होम आइसोलेशन के जरिए भी क्या है काफी मामले क्या है कम हो सकते हैं। और दोस्तों यदि घर से जरूरत नहीं है तो दोस्तों लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाए और दोस्तों बेवजह घर से नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। दोस्तों यदि आप ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं, ऐसी जेन्युइन जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर आप प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। और दोस्तों कोरोना के बारे में आपकी क्या राय है, सरकार को क्या करना चाहिए, किन किन कदमों को उठाना चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।